टूनी चिड़िया एक छोटी सी चिड़िया थी जो अपने पेड़ के नीचे एक खुशहाल जीवन बिताती थी। वह अपने छोटे से घर में रहकर खुश थी और अपने छोटे से बच्चों के साथ समय बिताने का आनंद लेती थी। नवरात्रि के समय उसके पेड़ के पास एक बड़ा सा पूजा स्थल बन गया। पक्षी नवरात्रि की पूजा के लिए यहाँ आते थे और वहाँ अपनी मनोकामनाएं माँ दुर्गा से मांगते थे। टूनी चिड़िया ने भी देखा कि पक्षी कितने भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। टूनी चिड़िया ने भी सोचा कि वह अपनी मनोकामनाएं माँ दुर्गा से मांगेगी और उनका जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। वह नवरात्रि के दिन अपनी मनोकामनाएं माँ दुर्गा से मांगने के लिए पूजा स्थल पहुंची। टूनी चिड़िया ने माँ दुर्गा से अपनी इच्छाएं मांगी, लेकिन वह यह भूल गई थी कि माँ दुर्गा का भक्त भी वही है जो अपने कर्मों में ईमानदारी से जीते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। माँ दुर्गा ने टूनी चिड़िया की मनोकामना सुनी, लेकिन उन्होंने टूनी चिड़िया से कहा, बेटा मैं तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए यहाँ हूँ, लेकिन तुम्हें यह ध्यान में रखना होगा कि तुम्हें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो मेरी कृपा भी तुम पर बरसेगी। टूनी चिड़िया ने माँ दुर्गा की बात मान ली और वह पूजा स्थल से लौटकर अपने पेड़ के पास गई। वह अपने पेड़ के नीचे बैठकर अपनी परिवार की मदद करने लगी। वह खुद को समर्पित किया और अपने कर्मों में ईमानदारी से जीने लगी। कुछ समय बाद उसकी मनोकामनाएं पूरी हो गई और उसका जीवन भी खुशहाल बन गया। टूनी चिड़िया ने सीखा कि माँ दुर्गा की पूजा करने के साथ साथ आपके कर्मों में ईमानदारी से जीना बहुत महत्वपूर्ण है। इस कहानी में यह सीखने को मिलता है कि पूजा के साथ साथ हमें कर्मों में भी ईमानदारी से जीना चाहिए और दूसरों की मदद करने का आनंद लेना चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि माँ दुर्गा या कोई भी देवी देवता केवल मनोकामनाओं पूरा करने के लिए नहीं होते, वे हमें एक उच्च आदर्श देते हैं कैसे हम अच्छे और ईमानदार बन सके। इसी तरह की मजेदार और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके आरोही टीवी किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और हमारे चैनल को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर से आपके साथ अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानी के साथ मिलेंगे।